हेलो, सत श्री अकाल टू एवरीवन। वेलकम टू योर होम चैनल एंड सो सॉरी आई एम कमिंग आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह करके मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी काफ़ी टाइम। तो कुछ वीडियोस थे, कमेंट्स भी आए है कि वीडियो बेकार है। आई नो, क्योंकि वो वीडियो किसी कारण किसी तो मैं अपलोड करवाई थी, नहीं टेक्निकल नॉलेज थी जिसकी वजह करके वो वीडियो अच्छी तरह नहीं मतलब अप रिकॉर्ड हुई। सो सॉरी उसलिए। हम तो फिर से जो भी पुराने एग्ज़ाम हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम्स हैं, आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं अपडेट करती रहूँगी। अज का जो साडा एग्ज़ाम है, जो कि थोड़े दिन पहला होया सीगा, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर AGO मतलब एडवोकेट जनरल ऑफिस के लिए फर्स्ट है जी कंप्यूटर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है द कोड फॉर अ वेब पेज इज रिटन बाय यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो आंसर है जी HTML, बी ऑप्शन। मतलब वेब पेज का मतलब की हुंदा है, जो भी इंटरनेट के उपर सू पेजेस शो होंगे, कोई भी पेज है जो तो शो हो रहा है इंटरनेट के उपर, उसमें वैब पेज बोला जाता है। एंड वैब पेज की कोडिंग, मतलब इन्होंने पूछा कि वो कोडिंग वो वैब पेज में किस लैंगुएज लिखा जाता है, तो HTML HTML की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। उसका मतलब है हाइपर टैक्सट मार्कअप लैंगुएज, द एबिलिटी टू कंबाइन द नेम एंड एड्रेसिस विद द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेल मार्क्स। मेल मर्ज का जो एक्चुअल मीनिंग है, मेल मर्ज मतलब कि तुम कोई एक ही कॉन्टैक्ट बहुत सारे एड्रेसिस से सेंड करना है, तो सिर्फ एड्रेसिस चेंज कर सकते हो, एड्रेसिस उस पर्टिकुलर कंटेंट न मर्ज कर देने हो, तो उसमें कहा जाता है मेल मर्ज। इन ऑर्डर टू टेल MS Excel दैट अ फॉर्मूला इज बीइंग एंटर्ड इन अ सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेटा मस्ट बी। मतलब कि यह क्या है कि MS Excel के जो कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो किहड़े साइन तो स्टार्ट होता है, होंगे इक्वल टू को विच अमंग अस द फॉलोइंग आर द टेबल टैग्स। टेबल जो कि एलीमेंट मतलब HTML का एक पार्ट है कि जो असं टेबल में क्रिएट करना है वैब पेज के उपर, तो वे कि टैग्स यूज होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है टेबल THEAD, टेबल का हैड मतलब टेबल हैड टैग होंगे, फिर TR TD। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन अलाउज द यूजर टू डू हेलो, सत श्री अकाल टू एवरीबडी, वेलकम टू योर होम चैनल। आई हैव बीन हेयर आफ्टर लॉन्ग टाइम। कुछ प्रॉब्लम सी जिसकी वजह करके मैं लास्ट काफ़ी टाइम तो वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी चैनल दे, तो उसलिए तुहाडे सारयां तो मैं माफ़ी चाहनी हाँ। और कुछ क वीडियो एक दो पाई मतलब अपलोड की गई, उससे कमेंट्स भी आई इदा दे बेकार है, अच्छी नहीं है कुछ। आई नो यू आर राइट कि वो बेकार ही सी, एक्चुअली किसी तो अपलोड करवाई गई सी, नहीं टेक्निकल नॉलेज सी, नहीं पता सी, सो अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं की गई, सो सॉरी फॉर दैट। इस तो बाद होर भी जो एग्जाम्स आने गए उन्होंने मैं प्रीवियस पेपर थोड़े लिए लैके आवाँगी। अगर किसी ने कोई प्रीवियस पेपर चाहिए है, कुछ कमेंट्स मैं आए भी हुए है JEE सिविल लई क्या होया बच्चा ने, मैं वो भी पेपर करांगी। होर भी जो कि पेपर आ रहे हैं, अगर मेरी नॉलेज नहीं भी है भी कोई एग्जाम आ रहा है, तो किसी भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर मेरे को है, मैं अपलोड करांगी ताकि उस तो फायदा हो सके। सो प्लीज़ तुम वो कमेंट्स जरूर दसना है। असं अज मैं जो पेपर थोड़े डिस्कस कर जा रही हाँ वो हैगा जी एडवोकेट जनरल ऑफिस के जो कोर्स आई सी, और डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्लर्क का एग्जाम है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है जी
computer section hai ji. First question hai, the code for a web page is written by using which of one of the following languages. Sab to pehla tusi ye samjho ki web page ki hunda hai. Web page internet de upar jo bhi tonu page show ho reha hai usnu web page bolya janda hai. Te web page hai jehde oh kehdi language vich likhe jande hai, kehdi language vich unna di coding hai jehdi likhi jandi hai, oh likhi jandi hai. Waise ta kafi sari languages ne, but basic jo language hai HTML hai. सब तो पहला ये होने लगी सी वो HTML ही है. उसके बाद तो न्यू और भी लैंग्वेजेस आ गई हैं जिसमें ASP.NET है. ठीक है जी. सो वैसे भी इन ऑप्शन से बच्चों का तो डिकोल सिर्फ HTML ही बनता है. HTML की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है. HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है जी. नेक्स्ट है एबिलिटी टू कंबाइन द नेम एंड एड्रेस इन द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट. कंबाइन करना नेम एंड एड्रेसेस नो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो तुसी काफी सारे एड्रेसेस दिया तो अलग अलग सेंड करना है बट कंटेंट सेम है तो तुसी की करोगे सिर्फ एड्रेसेस चेंज करके उस कंटेंट को सेम रख के अटैच कर दोगे तो उस ऑप्शन को बोला जाता है जी मेल वर्ड्स. इन ऑर्डर टू टेल एम एस एक्सल दैट फॉर्मूला इज बीइंग एंटर्ड तुसी एम एस एक्सल दे विच कोई फॉर्मूला एंटर करना है तो एक्सल नु किदा पता चलेगा कि तुसी फॉर्मूला एंटर कर रहे हो या डाटा एंटर कर रहे हो. तो तुसी की करोगे सब तो पहला इक्वल टू साइन पुट करोगे उस तो बाद एमएस एक्सेल को पता लग जाता है कि फॉर्मूला एंटर किया जा रहा है. ठीक है जी. विच अमंग अस द फॉलोइंग आर द टेबल टैग्स. ठीक है जी. एचटीएमएल दे विच टैग्स यूज किए जाते हैं. टैग्स के नाल ही सारी कोडिंग की जाती है तो टेबल भी उसका एक एलीमेंट है. अगर तुसी कोई चीज टेबल बना के सेल्स बना के उसके डाटा फिल करना चाहते हो तो टेबल टैग यूज एलीमेंट यूज करते हैं. तो टेबल के विच काफ़ी सारे टैग्स होते हैं तो कि टेबल्स के टैग है जो सही मतलब इन्ना सारा वैसे तो सारिया ऑप्शन के विच ही टेबल के टैग है बट हरेक ऑप्शन के विच कोई ना कोई गलती है. पर जी बिल्कुल राइट ऑप्शन है फर्स्ट है जी टेबल टी हैड टी आर टी बी. ठीक है. नैक्सट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन अलाउ द यूज टू व्यू मतलब कि तुम वेब पेज या सीधी लैंग्वेज कहो कि इंटरनेट किमें चला सकते हो इंटरनेट ब्राउजर के थ्रू. ठीक है जी. इन एम एस ऑफिस एप्लीकेशन द टर्म कमांड वर्ड रैप मतलब इतने समझो कि वर्ड रैप हों की है वो ऑप्शन के आंसर मिल जाएगा. वर्ड रैप का मतलब होंगे है कि अगर एम एस एक्सल कम कर रहे हो या वर्ड कम कर रहे हो. ठीक है. कोई वर्ड है जो कंप्लीटली तुहाडे उस एरिया दे विच नहीं आ रहा चाहे तुहाडे सेल दे विच नहीं आ रहा या तुसी पेज दे विच तो की हुंदा है कि तुसी अगर वर्ड रैप लगा दोगे तो ऑटोमैटिकली वो न्यू लाइन दे ऊपर चला जाएगा. ठीक है. इन एम एस वर्ड अ पेज ब्रेक कैन बी फोर्स्ड बाय पेज ब्रेक नाल की हुंदा है पोजीशनिंग कर्सर एट द एप्रोप्रिएट प्लेस उहदे नाल की है कर्सर अपनी अपनी जगह ते एप्रोप्रिएट प्लेस ते चला जांदा है pressing control plus enter. ठीक है जी. what does the term dtp stands for dtp का मतलब होता है desktop publishing. in the graphic pictures that represent an object like a file a folder etc is called icons. icons की होते हैं graphic picture मतलब कि कोई छोटी जी picture बनी होती है तुसी उसको खोलते हो वो देखे application खुल जाती है. मान लो word है तुसी खोलना तुसी अपने desktop के ऊपर उसका shortcut बना के रख लिया तुसी की है माई डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट बना के रख लिया जो अपनी पिक्चर रख ली है या तुसी कोई मूवी रख ली कुछ भी रख लिया तुसी उन्हों डेस्कटॉप के उपर रख लें तो एक आइकन बन जाता तुसी उन्हों ओपन करते हो तो वो एप्लीकेशन जी खुल जाती है. कंप्यूटर वायरस की है देखो हार्डवेयर भी नहीं है बैक्टीरिया भी नहीं है फ्रीवेयर भी नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट की जी फाइल है किस मतलब उसे सेव करते हो तो एंड के उपर की एक्सटेंशन दें तो होंगे जी डॉट डॉक एक्स. ठीक है जी. द जीरो एंड वन इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट आर कॉल्ड बिट्स. जीरो वन की बोलिया जाता एक बिट बोलिया जाता है इतने जीरो एंड वन दोनों की गल हो रही है तो आप बोलेंगे बिट्स. ठीक है जी. फायरफॉक्स इज अ टाइप ऑफ फायरफॉक्स की एक ब्राउजर है. माइक्रोसॉफ्ट विंडो की एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. इन एम एस ऑफिस एप्लीकेशन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप पोर्ट्रेट तो लैंडस्केप की होंगे पेज की ओरिएंटेशन होती है तुम पेज में पोर्ट्रेट कर सकते हो लैंडस्केप कर सकते हो. ठीक है जी. लैंडस्केप बिट्स ज़्यादा बड़ी हो जाती है एंड जी पोर्ट्रेट है
ज़्यादा होंगी. इन एमएस एक्सेल इन व्हाट फॉर्म डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, मतलब एमएस एक्सेल दे विच स्प्रेडशीट बोला जाता है, एमएस एक्सेल दे दी शीट नू दे पेज नू तो डेटा किस तरह अरेंज करते हो, मतलब रोज एंड कॉलम दी फॉर्म दे विच विच वन अमंग अस द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी. वोलेटाइल पहला तो ये समझो कि वोलेटाइल हुंदा की है. वोलेटाइल दा मतलब हुंदा है कि वो वाली मेमोरी जदों तक तुसी ओदे विच काम कर रहे हो पावर ऑन है उन्ना टाइम तो कंटेंट रहनगे. मान लो तुसी काम कर रहे हो पर तुसी उस नु सेव नहीं किया और पावर ऑफ हो गई तो वो सारा कंटेंट है जो इरेज हो जाएगा, तो उस मैमरी को बोला जाता है वोलाटाइल मैमरी. तो वो हुंदी है जी रैम. ठीक है. वट काइंड ऑफ द सॉफ्टवेयर वुड मोस्ट लाइकली टू बी यूज टू कीप ट्रैक ऑफ बिलिंग अकाउंट. मान लो तुसी कुछ बिल्स ऐड करने हैं उन्होंने कुछ अकाउंट मतलब कि उन्होंने मेनटेन करना था, बिलिंग सारी कितने मेनटेन होएगी स्प्रैडशीट के. ठीक है जी. IoT terms का मतलब क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. व्हाट डज द टर्म URL स्टैंड्स फॉर. URL का मीन्स होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. नेक्स्ट है तुम्हारे को इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन. प्रपोजिशन माई वाइफ इज गुड एट फ्रेंच. अगर तुझे कहना हो कि माई कोई भी किसी की भी गल कर रहे हो किसी परसन की कि वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज गुड है तो उत्थे लगता है जी एट. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. प्लीज बी क्वाइट द बेबीज sleeping. select the correct antonym of the word. cautious hunda hai savdhan hona kisi cheez da. antonym hoega careless beparwah. select the correct synonym of create hunda kisi cheez nu banana to da synonym hoega ji make. fill in the blank with the correct option. sorry you can't borrow my pencil. I am using it myself. Fill in the blank with the correct adjective. I had a brilliant holiday. It was really relaxing. ठीक है जी. नेक्स्ट है choose the correct option. Describe the meaning. Underline phrase है तो meaning दसना है. She tries her best to keep up with her rich neighbors. Keep up with the मतलब होता है जी to imitate. Choose the right option. The correct underline phrase. The intruder stood quietly for few moments. इस जगह पे लगना सी जी for a few moments. Choose the correct sentence. He has been living in this house for 6 years. बाकी सारे ऑप्शन देख कुछ ना कुछ गलती है. फर्स्ट ऑप्शन देख देखो he have लग गया हुआ है, he देना has लगेगा, ये तो wrong है. सेकंड वाली ऑप्शन राइट है. सी दे ऑप्शन देख देखो he has living, ये देख been नहीं लगाया उन्होंने, been लगना चाहिए था सी क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. डी दे देखो ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस, सिंस नहीं लगेगा जी फॉर लगेगा क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम 6 ईयर आ पीरियड ऑफ टाइम दिता हुआ तो उसे फॉर लगेगा सिंस. नेक्स्ट है जी फिल इन द ब्लैंक विद स्टेबल कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन मतलब कि ग्रुप ऑफ, तुसी किस चीज़ की ग्रुप ऑफ नाउन के लिए यूज करते हो. मदर हैन वॉज फॉलोड बाय हर डैश ऑफ चिकन्स, द ब्रूड ऑफ चिकन्स बोला जाता. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट सैट ऑफ प्रेपोजिशंस. ठीक है जी. प्रेपोजिशन का सैट देखो. फाइंडिंग हर सैल्फ शॉर्ट ऑफ मनी, शॉर्ट ऑफ मनी हों. नेक्स्ट है जी शी रोट. रोट हों टू हर हांड, तो डी ऑप्शन सही बन रही है. डैश फॉर हैल्प बोला जाता. ठीक है. Fill in the blank with the correct option. The aim of education is to bring out edi ho right option hai ji. Next hai ji select the correct antonym of the underlined word. Pragmatic the tade kol antonym hunda ji irrational. Which part of tusi matlab itthe galti labni hai ki kede part de vich error hai. First dekho both of you two, dekho ji both of you two बोथ दोनों चीज़ा कट्ठिया नहीं लग सकती. सो दिस इज रोंग. करैक्ट ऑप्शन टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. मीनिंगफुल सेंटेंस द फर्स्ट है जी ही फेल्ट नो, द ऑप्शन डी एट द राइट आएगा. फिल इन द ब्लैंक विद द करैक्ट ऑप्शन. आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिज आइडियाज. डैश आई डोंट एग्री विद दैम, ऑल दो आई डोंट एग्री विद दैम. ठीक है जी. नैक्सट थोड़े को एक पैसेज दिता हुआ तो वो अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर देने, वो तुम खुद एक बार पढ़ के देख लेना जी.
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕੇ ਪਾਰਟ ਵਿਚ ਫਨ ਅਮੰਗ ਇਸ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਸ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਹੈ ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਇਸ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੰਜ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤਖਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ ਜੀ 2 ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਰ ਲੋਕੇਟਡ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਨਾਸਿਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ ਥਰਡ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਐਂਡ ਫਿਫਥ ਦੇਵਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਮੰਗ ਇਸ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਇਸਰੋ ਦਾ ਫਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਅਮੰਗ ਇਸ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਆਥਰ ਆਫ ਬੁੱਕ ਮਾਈ ਜਰਨੀ ਫਰੋਮ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਲੈਨਿਨਿਜ਼ਮ ਟੂ ਦਾ ਨਹਿਰੂਵੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਸੀ ਐਚ ਹਮੰਤਾ ਰਾਓ ਹੂ ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 53 ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦਾ ਓਲਡੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀਮੈਨ ਟੂ ਹੈਵ ਸਕੇਲਡ ਦਾ ਵਰਲਡਸ ਟੋਲੈਸਟ ਪੀਕ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਡੀ ਆਪਣੀ ਏਜ 53 ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗੀਤਾ ਸਿੰਧੀ ਬਾਹਲ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਹੈਜ਼ ਵੋਨ ਦਾ ਫਿਫਥ ਵੀਮੈਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਟਰੋਫੀ ਜਿਹੜੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਬੈਂਕ ਰੋਵੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ ਮਾਹੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਅਸ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਬੀਨ ਅਵਾਰਡਡ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਮ ਐਸ ਸੁਭਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੰਡਿਤ ਭੀਮ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਤਾਦ ਬਿਸਮਿਲਾ ਖਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ 2018 ਫਰੈਂਚ ਓਪਨ ਮੈਨਸ ਟੈਨਿਸ ਰਨਰ ਅਪ ਡੋਮਿਨਿਕ ਥੀਮ ਬਿਲੋਂਗਸ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰੈਂਚ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਨਰ ਅਪ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵਿਚ ਵਨ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬੁੱਕਸ ਵੋਨ ਦਾ ਪੁਲੀਟੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਈਅਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਟੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫਿਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਲੈਸ ਲਈ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਵੋਨ ਦਾ ਆਸਕਰ ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਨ ਦਾ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਇਨ 2017 ਅਨਾਊਂਸ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ 2018 ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਥਰੋ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਅਮੰਗਸਟ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸ ਡੈਲੀ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਡ ਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਡੈਲੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ 69th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਨ ਅਮੰਗਸਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵਨ ਅਮੰਗ ਇਸ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਸਟਡ ਦਾ 2018 ਬ੍ਰਿਕਸ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 2018 ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਰਤਨਾਵਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨੋਨ ਐਸ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਰਤਨਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦ ਫਸਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਵਾਜ ਕੰਡਕਟਡ ਇਨ ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੀ ਹੈ ਫਸਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜੀ 1974 ਵਿੱਚ ਵਨ ਅਮੰਗ ਇਸ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਬੋਟਸਵਾਨਾ ਹੈਗੇ ਜੀ ਗੈਬਰੋਨ ਵਿੱਚ ਵਨ ਅਮੰਗ ਇਸ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਗਿਵਸ ਦਾ ਲਾਰਜਸਟ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੈਲਿਊ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੈਲਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ।